ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है रिसाइकल बिन। इसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं फाइल या फोल्डर रीस्टोर करना, यानी रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल या फोल्डर को वापस निकाल कर लाना, और हम सीखेंगे रिसाइकल बिन खाली करना। आइए सबसे पहले समझते हैं रिसाइकल बिन क्या है। आपके डेस्कटॉप पर यहाँ पर आप एक आइकन देख पा रहे हैं, ये है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक प्रकार का डस्टबिन है जिसमें जो भी फाइल्स या फोल्डर्स आप डिलीट करते हैं वो जाकर के स्टोर हो जाते हैं। पिछले अध्याय में हमने फोल्डर्स और फाइल्स को डिलीट करना सीखा, वो फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पर रिसाइकल बिन में स्टोर हो गए हैं। आइए अब सीखते हैं किस प्रकार उन फाइल्स या फोल्डर्स को रिसाइकल बिन से वापस लाया जाए। फाइल्स और फोल्डर्स को रीस्टोर करने के लिए सबसे पहले आप रिसाइकल बिन आइकन पर जाएं, उसे डबल क्लिक करें। ये देखिए रिसाइकल बिन की विंडो खुल गई है, और ये वो सारी फाइल्स या फोल्डर्स हैं जो हमने अभी तक डिलीट किए हैं। आपको याद होगा पिछले अध्याय में हमने माई लेटर्स नाम का एक फोल्डर डिलीट करना सीखा था, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मान लीजिए हम इसे रीस्टोर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए आप अपना पॉइंटर इस फोल्डर पर रखें और इसे राइट क्लिक करें। आपके सामने ये एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है जिसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है रीस्टोर, इसे क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही आप देख रहे हैं रिसाइकल बिन विंडो से आपका वो फोल्डर चला गया है। हम इस विंडो से बाहर आ जाएं और देखिए डेस्कटॉप पर जहां हमने वो फोल्डर बनाया था वो फोल्डर वापस से रीस्टोर हो गया है, वहां पर आ गया है। अभी हमने सीखा रिसाइकल बिन से फाइल्स या फोल्डर को वापस रिस्टोर करना, और आइए अब सीखते हैं रिसाइकल बिन खाली करना। मान लीजिए ये रमेश नाम की जो फाइल है इसे हम डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले पॉइंटर को फाइल पर रखें, राइट क्लिक हमने किया। राइट क्लिक करते से ही हमारे सामने ये मेन्यू आ जाता है, इसमें डिलीट ऑप्शन पर जाएं और क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कंफर्म फाइल डिलीट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। ये आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट रमेश, यानी क्या आपको पक्का है कि आप रमेश नाम की फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। ये आपको एक बार और सोचने का मौका देता है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यस पर जाएं और क्लिक कर दें। ये देखिए रमेश नाम की फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। इसी तरह से और जो फाइल्स या फोल्डर्स आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, एक बार डिलीट होने के बाद फिर से आप उन फाइल्स या फोल्डर्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिलीट करने के पहले सोच लें, समझ लें। मान लीजिए आप पूरी रिसाइकल बिन को खाली करना चाहते हैं, आपको कोई भी फोल्डर या फाइल काम का नहीं है। उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे रिसाइकल बिन टास्क करके दो टास्क दिए हुए हैं। ऊपर वाला ऑप्शन है एम्प्टी द रिसाइकल बिन, इस पर जाकर के अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो फिर से ये कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको पक्का है कि आपको ये नहीं चाहिए तो फिर आप यस पर जाएं और क्लिक कर दें। ये देखिए ये सारे आइटम्स जो हैं वो यहाँ से डिलीट हो गए हैं और आपका रिसाइकल बिन खाली हो गया है। आज का हमारा अध्याय था रिसाइकल बिन, जिसके अंतर्गत हमने सीखा फाइल या फोल्डर रीस्टोर करना, यानी रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल या फोल्डर को निकाल कर वापस लाना, और रिसाइकल बिन खाली करना।